बहुत सुंदर मुख्य मंडप से स्नान मंडप में लाकर फिर जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है। ये अभिषेक जो है ना, हमारे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओगे तो अश्व द्वार के पीछे एक सोन कुआ है, और ये सोन कुएं को साल में एक ही बार खोला जाता है। जगन्नाथ का स्पेशल अपना कुआ है, मतलब वो बंदा केवल जगन्नाथ ही उसमें से काम होगा और किसी का नहीं। साल में एक बार इसे खोला जाता है, सारे नदी कुंड सरोवर का आवाहन किया जाता है और उस सोन कुएं से 108 बड़े बड़े मटके घड़े भरकर और उन घड़ों से जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। और जगन्नाथ जी को इन 108 कुंड के जलों से, पवित्र जल से स्नान कराते हैं, और स्नान के बाद जगन्नाथ जी को गणवेश श्रृंगार किया जाता है। गणवेश श्रृंगार माने स्नान के बाद जगन्नाथ जी को गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है, जगन्नाथ जी को गणेश जी का रूप दिया जाता है। जगन्नाथ जी को आज देखोगे तो बस यही लगेगा कि ये गणपति जी हैं। और इसके पीछे भी एक कथा है। कर्नाटक में एक गांव है जिसका नाम है किन्यारी गांव। कर्नाटक में किन्यारी नाम का एक गांव, और वहां पर एक भगत रहता था जिसका नाम था गणपत्य। क्या नाम था? गणपत्य। एक्चुअली ये गणपति का भगत था। जय देव जय मंगल मूर्ति, वैसे महाराष्ट्र लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन ये कर्नाटक का था, गणेश जी का भगत था, और नाम ही रख दिया गणपत्य। परंतु ये वेद पाठी ब्राह्मण था, वेद और शास्त्रों का पठन करता था, बहुत गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करता था। अध्ययन करते करते एक दिन इसने स्कंद पुराण पढ़ लिया, और स्कंद पुराण में जगन्नाथपुरी की और जगन्नाथ जी की बहुत विस्तार से महिमा बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं ना, ये जगन्नाथ जी के विषय में कहाँ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, पढ़ोगे तो पता चले ना, अनेक अध्यायों में इसका वर्णन है। तो जब इस गणपत्य ने, गणेश जी के भगत ने, स्कंद पुराण में पढ़ा कि अरे जगन्नाथ जी कलयुग में भगवान कृष्ण प्रकट रूप से जगन्नाथपुरी में रहते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों की सारी मनोकामना वांछा पूर्ण करते हैं, यह पढ़कर जगन्नाथ जी में श्रद्धा हो गई। बोले मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, और वह गणपत्य जगन्नाथ जी का, गणेश जी का भगत, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नीलाद्री जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकल पड़ा। वो चलते 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 भुवनेश्वर को क्रॉस करके जगन्नाथपुरी की बॉर्डर में प्रवेश किया, तो भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी की बॉर्डर में एक है अठार नाला, ऐसे 18 नाले हैं और उसी को बॉर्डर बना दिया गया है। तो भुवनेश्वर क्रॉस करके, अठार नाला को क्रॉस करके जगन्नाथपुरी की बॉर्डर में वो प्रवेश किया, तो कुछ जगन्नाथ जी के भगत जगन्नाथ जी का दर्शन करके वापस लौट रहे थे। और इसको पता कैसे चला, वो गा रहे थे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का कीर्तन कर रहे थे, कहा कि आप कौन? बोले हम जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए, हम जगन्नाथ जी के भगत हैं और अभी अभी दर्शन करके आ रहे हैं। अब ये गणपति सोचने लगा और कहा कि आप जा कहाँ रहे हो? बोले हम घर पर जा रहे हैं। घर जाके क्या कर? बोले बिजनेस करना है, काम धंधा करना है, पत्नी बच्चों का ध्यान रखना है। ये गणेश का जो भगत था ना गणपत्य, इसको जगन्नाथ जी में से श्रद्धा उठ गई। बोले ये कैसे भगवान और ये कैसे भगत कि भगवान का दर्शन करने के बाद भी घर में जाने की इच्छा हुई, भगवान का दर्शन करने के बाद भी संसार में ये धन संपत्ति पत्नी बच्चे और ये संसार करने की इच्छा हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का कोई प्रताप कोई प्रभाव नहीं है। वो अठार नाला से ही यूटर्न ले लिया। बोले अब जाने कब कौन मेहनत करके जाएगा,
ये लोग दर्शन करके आए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो मुझ में क्या खाक परिवर्तन होगा, वहीं से वो यूटर्न लिया। लेकिन भगवान की शरण में आने वाले भक्तों को भगवान कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान से रहा नहीं कि भगवान ने सोचा मेरा कस्टमर वापस जा रहा है, भगवान सोचे कि मेरा मेरी घराकी कम हो जाएगी। उसी समय भगवान जगन्नाथ ब्राह्मण का रूप लेकर वहां पर प्रकट हुए और उस गणपत्य के मार्ग में रोक दिया। बोले कहां जा रहे हो? बोले वैसे तो जगन्नाथपुरी जा रहा था लेकिन कोई दम नहीं लगता है, कोई प्रभाव नहीं लगता है। बोले क्यों? बोले उनके भगत जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए और वही संसार में फंसने का काम कर रहे हैं। जगन्नाथ जी ने उनको समझाया, वो ब्राह्मण का रूप लेकर जगन्नाथ जी ने उस गणपत्य को समझाया, देखो भगवान पूर्ण है और वह पूर्ण भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। किसी की इच्छा गृहस्थी की है तो वह गृहस्थी को पूर्ण करते हैं, किसी की इच्छा सन्यासी की है तो वह सन्यास की, जो भी इच्छा तुम एक बार दर्शन करके तो देखो, एक बार तुम वहां जाकर तो देखो। यहां तक भुवनेश्वर अठार नाला पहुंच गए, अब कितना दूर है जगन्नाथपुरी, एक बार जाकर तो देखो, इतना दूर कर्नाटक से आए हो। भगवान ने कन्विंस कर लिया, बोले ठीक है चलो आप कहते हो तो मैं जाकर देखूं। वो गणपति पहुंचा भगवान का दर्शन करने के लिए और बहुत सुंदर स्नान यात्रा हुई और स्नान यात्रा का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। और जब दर्शन करने के बाद निकट जाकर देखा तो जगन्नाथ जी को सूंड नहीं थी, जैसे गणेश जी को होती ना सूंड, ऐसे जगन्नाथ जी को सूंड नहीं थी, उनको कान नहीं थे। तो इसके मन में क्या हुआ कि ये भगवान है ही नहीं, क्योंकि ये गणेश जी का इतना पक्का भगत था कि बोले जिसकी सूंड नहीं वो भगवान हो ही नहीं सकते, हमारे भगवान तो सूंड वाले हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में आता ना, तुलसीदास मस्तक तब नमे जब धनुष बाण हो हाथ। कितनी भी अच्छी मुरली लेकर खड़ा हो लेकिन तुलसी का मस्तक तो वहीं झुकता है ना जब धनुष बाण, मतलब राम उनका भाव, उनकी उपासना राम स्वरूप की है। तो इस आदमी की उपासना गणेश जी के स्वरूप की है। तो इसने सोचा कि भगवान तो सूंड वाले होते हैं, ये भगवान नहीं है, इसको डाउट हुआ और वो वहां से वापस लौटने लगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई, तम भक्ति योग परिभा वितरित सरोज आसे श्रुते शित पथो ननुनाथ पुंसा यद दियात उर्गा यविभाव यन्ति तत्तत्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय तत्तत्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में यह कहा गया कि भक्त यत यत विधया, भक्त जिस जिस प्रकार से जैसा ध्यान करके विभाव यंती अपने चित्त में अपने हृदय में भगवान के जिस रूप की भावना करता है तत्तत् वपु भगवान उसी उसी स्वरूप से उस भक्त के सामने प्रकट होते हो जाते हैं। भगवान भक्त के भाव के अनुसार अपना रूप धारण कर लेते हैं, भक्त जैसे स्वरूप का ध्यान करता है भगवान उसी स्वरूप में भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। और ये क्वालिफिकेशन, ये गुण भगवान को छोड़कर किसी में नहीं है। पत्नी भावना करती है कि मेरा पति ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उनका स्वभाव ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता। पति भावना करता है कि मेरी पत्नी ऐसी हो जाए, बच्चे भावना करते हैं मेरे पेरेंट्स ऐसे हो जाए, पेरेंट्स भावना करते हैं मेरे बच्चे। इस दुनिया में कोई किसी की भावना की परवाह नहीं करता, हु केयर्स। लेकिन भगवान अपने भक्त की भावना की परवाह करते हैं और भक्त की जैसी भावना होती है
जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति बिन देखी तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना होती है ना भगवान उस भक्त के सामने उस रूप में प्रकट होते हैं। मल्ला नाम अश्नी नृणाम नरवरह स्त्रिया स्मर मूर्तिमान, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है जब कंस के रंग महल में राम और कृष्ण बलराम और कृष्ण प्रवेश किए तो बड़े बड़े मल्लवान मल्ला नाम चाणूर मुष्टिक जो थे ना उसने रात भर मन में सोचा था कि हम कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कैसी भावना की, कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करेंगे माने कृष्ण पहलवान है तो मल्ला नाम अश्नी। बड़े बड़े पहलवानों को कृष्ण पहलवान के रूप में दिखाई दिए, स्त्रियों को साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दिए और भोजपते कंस को अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दिए, वसुदेव देवकी आदि को अपने पुत्र के रूप में दिखाई दिए। भगवान तो एक ही है लेकिन जिस भावना के लोग बैठे थे भक्त ने जैसी भावना कर रखी थी भगवान ऐसे प्रकट। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब स्नान यात्रा हुई और वह गणपत्य गणेश जी का भगत तो उसके मन में यही था कि भगवान की सूंड होती है, लंबे लंबे कान होते हैं तो यद्वि दयात उर्गा ये विभाव यंती तत्तत वपु प्रणय से सद अनुग्रहाय। भगवान इतना अनुग्रह करते हैं कि भक्त के भाव के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। और क्या हुआ कि वो गणेश जी का भगत वापस लौट रहा था, जब शंख बजे और द्वार खुला तो देखा कि जगन्नाथ जी गणेश जी के रूप में प्रकट है। जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर सूंड है, जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर कान है, बहुत सुंदर इस रूप में जगन्नाथ जी गणपत्य भक्त के सामने, इसे गणवेश कहते हैं। और भक्तों इतिहास में वर्णन है इस रूप का दर्शन करके अब गणपत्य के मन में हुआ कि अब तो बस जीवन जीने से क्या लाभ। उसी समय उस गणेश जी के भक्त गणपत्य का शरीर छूटा और उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। और फिर उसी दिन से स्नान यात्रा के बाद भगवान का जो श्रृंगार होता है वह श्रृंगार गणवेश में होता है।